वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरीबाडी एंड वेलकम टू दीचर्स आई एम प्रोफेसर ऐश्वार एग्जाम है उनके सबसे टॉपिक का, का है वो है जॉन गाली पे तो मैं आपको बता दू हमेशा ये क्लासेस को लेकर एक डाउट हमेशा रहता है लोगों के मन में कि भाई कौन सा टॉपिक कहाँ करना है कैसे करना है तो देखो अगर हम प्रिस्क्राइब सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास जो यूपी का पीजीटी है उसमें जॉन गर्ल्स वर्धी मैंशन नहीं है सिर्फ यूपी के टीजीटी में मेंशन है लेकिन अगर आप और किसी भी एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं जैसे कि एनवीएस केवीएस झारखंड हरियाणा राजस्थान कोई भी ऐसा और एग्जाम है वहां पे आपको इन जनरल सारे मॉडर्न राइटर्स को कवर इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर्स को कवर करना है तो उसमें गर्ल्स वर्धि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बन जाता है ठीक है तो अगर मेरे से स्पेसिफिकली बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर पीजीटी यूपी के हैं तो बैठे या ना बैठे क्लास में आप चाहें तो ना बैठे कोई बात नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन ही नहीं है तो आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके सिलेबस में है ठीक है एंड यूपी टीजीटी के लिए पटी इंपॉर्टेंट है, है आज इस क्लास में हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट वर्कस और इनके बायोग्राफी के इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को जो है कवर करेंगे एंड मैं आपको बता दूँ कि जॉन गर्ल्स वधि पे जो मेरी पर्सनल रिसर्च है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के वो मुझे कुछ यही बताती है कि इसके अंदर जो हमारे बायोग्राफिकल डिटेल्स हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा

अपडेट्स, वैकेंसीज नोटिफिकेशन वैसे तो आपको यहां वहां यहां वहां डिफरेंट जगहों पे जाके इनको सीख करना पड़ता है अब आपको अगर एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिल जाए वन स्टॉप सल्यूशन मिल जाए जहां पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ तो कैसा रहेगा तो इसी हिसाब से देखो ऐप लेने का ये फ़ायदा है कि आपको ये डिफरेंट वेराइटी की चीज़ें जो है हमारी ऐप पे मिल रही हैं दूसरा फायदा आपको ये मिल रहा है कि जो मेरा कोड लगता है वाई फाइव फोर टू पहले तो मेरे पास आज यहाँ पेन मिसिंग है और पेन के बिना मैं कैसे पढ़ाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा पर चलो हाथ से लिख देते हैं क्या दिक्कत है हां जी तो डियर फ्रेंड्स मेरा जो कोड है डिस्काउंट का वाई टू। जो अब तक बहुत लोगों को आई थिंक लर्न भी मेरे साथ साथ आपको भी लर्न हो ही गया होगा इतनी बार बोल दिया है मैंने इसको ठीक है तो इसका जो वेबसाइट पे अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको कोर्स पे सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है अगर आप एप्लीकेशन पे इसको यूज करते हो तो सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिलता है अब आप बोलोगे फर्क कैसे पड़ा ठीक है तो फर्क कैसे पड़ा कि कोई कोर्स अगर आपको हमारे वेबसाइट पे तेईस सौ रुपए का पड़ रहा है तो वही कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे दो हजार इक्कीस सौ का पड़ रहा है डेढ़ सौ दो सौ रुपए आपके बच रहे हैं वहाँ पे तो एक फायदे की डील है एवरी पेनी काउंट्स तो वो हमें सोच के जो है आगे चलना चाहिए साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारे YouTube चैनल टीचर्स अर्डर ट्वेंटी फोर को जो है सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त हम इंडिया की लीडिंग टीचिंग uh, YouTube का पेज है ठीक है हाईस्ट नंबर इन एनी टीचिंग पेज ऑन इन इंडिया टूडे ऑन YouTube। तो आप भी जो है इस बड़ी फैमिली का जो है पार्ट बनिए सदस्य बनिए मेंबर बनिए विद ओपन हार्ट्स एंड होपन स्माइल्स वी आर वेलकमिंग यू टू आर फैमिली किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम का किसी भी सल, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्टेट के रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर टीजीटी पीजीटी का हम यहाँ पे जो है कवर करते हैं तो आपके लिए ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है पियानो पियानोविदारिन देखो स्पैम करके मैसेजेस से कुछ नहीं होगा सच्चाई तो ये है कि अभी हमारे पास एग्जाम की कोई डेट है नहीं एक एक्सपेक्टेड डेट जो हम मान के चलते हैं वो चलते हैं एंड ऑफ अक्टूबर बिगिनिंग ऑफ नवंबर वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई वो दिसंबर तक भी जा सकता है ठीक है सो so, ये एक पॉसिबिलिटी है आपको जो है उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब हम बिना ये सब सोचे कि पेपर कब है अगर हम अपनी तैयारी पे ज्यादा ध्यान रखें मेरे हिसाब से वो ज्यादा फायदेमंद बात रहेगी फटाफट से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो आज का जो हमारा टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ वो है जॉन गर्ल्स वर्दी पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन वैसे तो मेरे यूट्यूब पे मेरे पेड बैच में भी जो मेरा सेकेंड बैच चल रहा है अ, मेरा ये यूपी टी जी का जो सेकेंड बैच है और एनवीएस का बैच है उसमें अभी हम हमने आज ही गर्ल्स वर्दी को ऑलमोस्ट वाइंड अप किया है तो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही फायदा होने वाला है। जितने लोग मेरी क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो ये नोट्स हैं इसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि जो ज्यादा सबसे ज्यादा की जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हाईलाइट पॉइंट है आपने क्या करना है आपने उनको साथ साथ टाइप करते रहना है। है कुछ लोग होते हैं ना वो पैसिव लर्नर्स होते हैं वो बैठ के चुपचाप सिर्फ सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं उनको जो चीज याद रहती है एज कंपेयर टू एक्टिव लर्नर्स पीपल जो एक्टिव people who are actively a participant in their classes okay so all these people basically i feel they have a better दे हैव अ बेटर शॉर्ट एट रिमेंबरिंग द थिंग फॉर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो आपको मेरे साथ एक्टिव लर्नर्स बनना है जो मैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट आपको बताऊंगी आपने उनको जो है ज्यादा आपने उनको साथ साथ कॉमेंट में टाइप करते रहना है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो इसी के साथ जो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक बार मैं हाईलाइटर देखना चाहती हूँ हाईलाइटर अगर हो जाए तो आपको दिख रहा है हाँ दिख रहा है ठीक है तो हम हाईलाइटर यूज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास पेन नहीं आज तो हाईलाइटर यूज करेंगे आई थिंक ज्यादा मजा आएगा उसमें हम्म शुरू करते हैं जॉन गार्ल की इंट्रोडक्शन के साथ जो है मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ फट करेंगे सारे के सारे ठीक है जॉन गार्ल्सवर्धि जो है एक नोबेल लॉरिएट है ठीक है नोबेल प्राइज विनर एक हमारे राइटर हैं इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1932 ठीक है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो उनके बारे में ये है कि जॉन गार्ल्सवर्दी खुद एक नोबेल लॉरिएट हैं इनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला हुआ है इनके नॉवेल्स में इनके प्लेज में जो है ये रिच अपर मिडिल क्लास को जो है डिपेक्ट करते हैं इनके इनके नॉवेल्स और में जो इनका फोकस है वो किस तरीके की फैमिलीज़ पे होता है रिच अपर मिडिल क्लास फैमिली एंड पर्टिकुलरली नॉट द सिटी रिच पीपल बट द कंट्री साइड रिच पीपल ठीक है नॉट जस्ट द सिटी पीपल बट द कंट्री साइड रिच पीपल उसकी वजह से जो है इन्होंने इन लोगों के गॉसिप uh, कल्चर पे इनके सुपरफिशियल कल्चर पे इनके ऑब्सेशन विद मनी प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी रेपिटेशन इन सारे एस्पेक्ट्स को जो है इन्होंने बेसिकली इन अ वे सेटायराइज किया था ठीक है और इंटरेस्टिंग बात यह खुद भी उसी अपर क्लास को बिलोंग करते थे जिस क्लास को इन्होंने सैटाइज किया है ये खुद भी उसी सोशल क्लास को ही बिलोंग करते थे इनकी एजुकेशन एक लॉयर की तरह हुई थी ही एक्चुअली स्टडी टू बिकम अ लॉयर लेकिन उनको कभी लीगल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं आया इनको बैरिस्टर बन के इंटरेस्ट ही नहीं आया तो जैसे ही इनके फादर की डेथ हुई इन्होंने अपना करियर हंड्रेड जो है लीगैलिटी से स्विच करके कर दिया था राइटिंग में लिटरेचर में हिज वर्क

क्योंकि ये किंग एडवर्ड के पीरियड में कंटेम्प्रेरी थे जिस पीरियड में किंग एडवर्ड किंग रूलर थे इंग्लैंड के उस पीरियड के ये कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, इसलिए इनकी जो एज है उसको हम मॉडर्न एज या वेरी स्पेसिफिकली एडवर्डियन एज भी

मिडिल क्लास तो इनके कैरेक्टर्स जो हैं स्पेसिफिकली ठीक है आई डोंट टेक एनी फेस टू फेस क्लासेस आई डोंट टीच एट एनी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेर आई एम वर्किंग एट ठीक है सो इनके जो वर्क्स हैं माई डियर फ्रेंड्स उनमें आपको कभी कभी लोअर क्लास के लोअर ऑफ़ द सोसाइटी के कैरेक्टर्स जरूर मिलेंगे पर उनका दिखाने उनको दिखाने का पर्पस उनको सेंटर ऑफ द कैरेक्टर बनाना नहीं है सेंटर ऑफ द टेंशन बनाना नहीं है हाय लुबना वेलकम टू द क्लास उनको उनको उनके प्लेज या नॉवेल्स में दिखाने का पर्पस है उनको कंट्रास्ट करना विद अपर मिडिल क्लास सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू रिमेंबर

अपने क्लास को लेके या अपने स्ट्रैचर को लेके या अपने पैसों की वजह से जो है घमंडी हो जाता है और ज्यादा ईगो में आ जाता है ठीक है ज्यादा इलीटस्ट बिहेव करता है उसको कहते हैं स्नोबिशनेस तो क्योंकि इनके इनके नॉवेल्स और उनके प्लेस के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो इस अपर मिडिल क्लास में किस तरीके का एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर कैसा इलीटिज्म है स्नोबिशनेस है जो इनके अंदर अपने कैरेक्टर्स के बारे में कि वो दर्शाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो है नैरो माइंडेडनेस और सफोकेटिंग मॉरल वैल्यूज ठीक है क्योंकि ये मॉडर्न इरा के राइटर हैं लेकिन खुद ये जो हैं खुद इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ मॉडर्न एज के नहीं है इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो लेट विक्टोरियन से मॉडर्न एज तक को कवर कर रहे हैं तो विक्टोरियन एज की जो ओल्ड कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज हैं वो कैसे क्लैश में आती हैं विद द न्यू ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न एज वो भी हमें इनके प्लेज और इनके नॉवेल्स में देखने को मिलता है और एक बात आप प्लीज याद रखिएगा जॉन गाल्सवर्दी अपने प्लेज में कभी भी किसी तरीके के प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन नहीं देते हैं ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इनके जो प्लेज हैं हम उनको सोशल ड्रामा या प्रॉब्लम ड्रामा कहते हैं लेकिन अगर हम इसको कंट्रास्ट करें जी बी शो जॉर्ज बर्नड शो के प्लेज के साथ तो जी बी शो के जो प्लेज हैं उनको हम आइडिया कॉमेडी ऑफ आइडियाज कहते हैं उसको क्यों कहते हैं कॉमेडी ऑफ आइडियाज क्योंकि उसके अंदर देखिए जो प्रॉब्लम है जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका सोल्यूशन दिखाया जाता है गर्ल्स वादी का भी अपने प्लेज में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देंगे आपको ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट और मैं आपको हमेशा एक बात स्टार्टिंग से समझाती हूँ मैं किसी भी राइटर को जब शुरू करती हूँ मैं हमेशा उनके बैकग्राउंड या वो किस लिटरेरी एज में लिख रहे हैं उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देती हूँ क्योंकि किसी भी राइटर को समझने के लिए उनके बैकग्राउंड को समझना ज्यादा जरूरी है और अगर आपने उनके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लिया तो आप उनके वर्ग्स को और ज्यादा आसानी से जो है समझ पाएंगे मैम आई एम नॉट एबल टू अटेंड यूपी पी क्लास इन ऐप क्यों भाई uh, क्या दिक्कत आ रही है आप मुझे एग्जैक्टली exactly बताएंगे क्या टेक्निकल इशू आ रहा है डज इट ठीक है फटाफट से बता दीजिए हाँ जी सो दिस नेक्स्ट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जो हमें लर्न करने हैं जो कवर करने हमारे लिए बहुत जरूरी है फटाफट से हैव अ लुक एट देम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपने जो फर्स्ट फोर इनिशियल पब्लिश वर्क्स हैं उसमें या फिर जो पेन नेम यूज किया था वो था जॉन जॉन इन्होंने जो अपने इनिशियल वर्क्स हैं इनिशियल जो फोर वर्क्स हैं उसमें उन्होंने क्या पेन नेम या क्या स्यूडोनम यूज किया था जॉन सिन जॉन इनका बर्थ होता है 14th अगस्त 1867 को इनका बर्थ है 14th अगस्त 1867 और इनका बर्थ प्लेस है सो सॉरी इनका प्लेस ऑफ डेथ है हैमस्टेड लंदन डेथ इनकी होती है 31st जनवरी 1933 में एट द एज ऑफ 65 और मैं बार बार मैंने कल भी मिल्टन पढ़ाते हुए भी आप लोगों को एक बात रिपीट करके बताई थी अब भी आपको जो है ध्यान से इस बात को याद रखना है कि हमारे टीजीटी पीजीटी नेट में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में क्वेश्चंस नहीं आते टीजीटी पीजीटी में आते हैं कि को, कोई पर्टिकुलर राइटर किस पर्टिकुलर एज पे उनकी डेथ हुई है या किस ईयर uh, में उनकी डेथ हुई है उनके बर्थ का ईयर क्या है ये सारी की सारी जो फैक्चुअल uh, इंफॉर्मेशन है ये हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है तो आपको सब लर्न करके रखना है कि मिल्टन किस एज में मरे थे वर्ड्सवर्थ की डेथ किस एज में हुई थी कीट्स किस एज में हुई थी शैली की किस में हुई थी शेक्सपियर की किस में हुई थी ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लर्न करने वाले सारे के सारे के इनकी वाइफ का नाम था एडा एडा है इंटरेस्टिंगली इनके फर्स्ट कजन की वाइफ थी इनके साथ इनका टेन इयर्स का एक लॉन्ग अफेयर चला जिसके बाद फाइनली 1905 में ये एडा से शादी कर लेंगे ठीक है सो इनकी वाइफ का नाम है एडा प्योर्सन इनकी जो एजुकेशन है वो फेमस न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हुई है जहां से इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी इनकी इनकी एजुकेशन जो है, जहां से इन्होंने अपनी लीगल डिग्री हासिल की थी। इनकी थी, डेथ हुई फ्रॉम द रीजन ऑफ ब्रेन ट्यूमर ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में जो याद रखने वाला है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वट वॉज हिज कॉज ऑफ डेथ इट वॉज ब्रेन ट्यूमर और सबसे इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट इनके बारे में इन्होंने फाइंड किया था यानी को फाइंड किया था ये फेमस इंटरनेशनल ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पेन अमेरिकन सेंटर एंड पेन इंटरनेशनल पेन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके की अंदर जो है ऑथर्स ऑफ वेरियस फील्ड एंड काइंड को एक कॉमन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर टू होल्ड to एंड to to together for various purposes and uh, you know various uh, uh, reasons so ये सारा जो एक common platform है वो pen international देता है तो ये उसके co-founder भी थे और initially काफ़ी years उस uh, इसके जो है editor भी रहे हैं chairman भी रहे हैं ठीक है चलिए

और गर्ल्स वर्दी पे तो आ भी रहे हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो so, यहाँ से आपके आठ सवाल निकल सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल पोएट्स एसेस्ट एंड नोवेलिस्ट ये इसका टाइटल था जब ये बना था ठीक है जी आइए थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं इनकी लाइफ कैसी रही इनका जो बर्थ है मैंने अभी आपको बताया फोर्टीन अगस्त 1867 में हुआ किंगस्टन हिल में ठीक है लंडन के किंगस्टन हिल में जो इनका बर्थ होता है इन अ वेल्दी फैमिली इनके दादा पर थिंक in ये डिस्टिंक्शन जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने पेड बैच में भी दी थी जहां मैंने उनको बताया था कि जो अप, जो uh, अपर क्लास है वो जनरली अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड के हो गए जो लोअर क्लास है वो बिल्कुल लोअर

तो इनका उठना बैठना चलना फिरना वो एरिस्टोक्रेसी के लेवल का ही है लेकिन इनके अंदर एरिस्टोक्रेटिक ब्लड नहीं है ठीक है ये वो वाली फैमिलीज हैं तो गर्ल्स खुद भी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे इनके प्लेज और नॉवेल्स में भी ऐसे ही फैमिलीज का जो है एक मेजर सेंट्रल अट्रैक्शन रहता है और ये इन्हीं को ही सेटाइराइज कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं ठीक है तो ये इनके ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे तो जब तक इनका बर्थ होता है इनकी फैमिली यू नो कंसिडरेबल प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट कर लेती है और तो और इनके पास फेमस शिपिंग बिजनेसिस भी आ जाते हैं तो खुद ये बहुत ही एक रेप्यूटेबल और एक बहुत ही एफ्लुएंट uh, फैमिली को जो है बिलोंग करते थे इनके फादर का नाम भी इंटरेस्टिंगली जॉनी है जॉन गर्ल्स वर्दी के फादर का नाम भी जॉन गर्सी ही था और आपको अगर ध्यान हो जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था यू रिमेम्बर कल भी मैंने आपको क्लास में बोला था कि जॉन मिल्टन जो है उनके फादर को हम जॉन मिल्टन सीनियर बुलाएंगे ठीक है ना तो यहाँ पे भी वी हैव जॉन सीनियर हु फादर ऑफ ऑथर जॉन गर्ल्स वर्दी सो ही वॉज एन स्टेबलिस्ड सॉलिसिटर बहुत ही एक लॉयर थे लंडन के और एक कंपनी में डायरेक्टर भी थे इनका जो शिपिंग बिजनेस था फैमिली बिजनेस उसके डायरेक्टर भी थे थे, तो ये बहुत ही रिच और फ्लुएंट और रेप्यूटेड एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे ठीक है हाँ जी अच्छा डिटेल में कवर करना है सारा ठीक है सो आई कैन प्लान सम क्लासेस जिसमें हम डिटेल टॉपिक्स को कवर करेंगे एक तो मैंने आपको कल प्रॉमिस किया ही था कि मैं आपके साथ पैराडाइज लॉस डिटेल में कवर करूंगी तो उसके साथ साथ हम और इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी डिटेल में कवर कर लेंगे ठीक है डोंट वरी चलो नेक्स्ट देखो उनकी मदर का नाम था ब्लान बेली गर्ल्स गा, ये क्वेश्चन आते हैं फलाने राइटर के वाइफ का नाम क्या है पलाने राइटर की मदर का नाम क्या है ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं हमें इन सबको लर्न करके रखना है ठीक है तो उनकी मदर का नाम था ब्लानशी बेली जो बहुत ही रिलीजियस मदर एक लेडी थी फसी भी थी ठीक है तो इनकी जो मदर है वो काफी ज्यादा जो है एक ओल्डर कन्वेंशन को बिलोंग करती थी तो गर्सवर्दी की आपको नॉवेल्स और प्लेज में ये जो टिपिकल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो पुरानी सोचों खयालातों के मालिक हैं पुरानी सोच रखते हैं ओल्ड पर्सपेक्टिव रखते हैं लाइफ में है ना तो वो वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली अपनी मदर से मिली क्योंकि इनकी मदर भी पुराने ख्यालातों की मालकिन थी और बहुत ही रिलीजियस लेडी थी और विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स में बिलीव करती थी यानी ओल्डन कन्वेंशन ऑफ लाइफ ओल्डर ट्रेडिशंस ऑफ लाइफ में बिलीव करती थी जो हमारे राइटर हैं गर्ल्स ये अपने पेरेंट्स के एल्डर सन थे और इनकी एजुकेशन पे बड़ा फोकस होता है पहले तो इनको प्राइवेट ट्यूशन दी जाती हैं घर पे उसके बाद इनको फेमस स्कूल बॉर्नमाउथ में एट द एज ऑफ भेज दिया जाता है के लिए वहां से ये जाते ये जाते हैं फेमस इंग्लिश स्कूल हैरो स्कूल में हैरो से इनकी जो इनिशियल एजुकेशन होती है जहां पे ये एक डिस्टिंग एथलीट भी हैं और यहाँ से स्कूलिंग कवर करने के बाद ये न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी हायर एजुकेशन हासिल करने जाएंगे ठीक है इनकी फिर जो आगे की की कॉलेज जो तालीम है वो कहां से है न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जो फैक्ट्स यहाँ बता रही हूँ ये सारे के सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है और मेरे जितने व्यूअर्स इस वक्त क्लास में आप इस बार के अटेम्प्ट के लिए सीरियस हैं पेपर के लिए सीरियस है उनको लगता है कि हमने पेपर ओरिएंटेड तैयारी करनी है तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि या तो अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और उसमें नोट्स बनाते रहो या मेरे साथ साथ यहाँ कमेंट सेक्शन में नोट्स बनाते रहो ठीक है आइदर वेज जो है आपको जो अपनी तैयारी है पेपर ओरिएंटेड रखनी है और मुझे कॉमेंट से इस वक्त दिख भी रहा है कि कितने लोग क्लास के लिए सीरियस हैं और कितने नहीं हैं ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं In 1889 आउट फ्रॉम दॉरी फ्रॉम द न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड जहां उन्होंने डिग्री इन जूरिस तो इन, किस चीज का था ऑफ अ बैरिस्टर तो इनकी भी डिग्री लॉयर बनने की ही थी पर स्टार्टिंग से ही इनको लॉ में इंटरेस्ट था नहीं 1890 से लेकर 1895 तक पाँच साल ये बार में ये अपना काम करेंगे ही 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 विल 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 प्रैक्टिस लॉ फॉर ट्राई टू टू वर्क एज अ लॉयर बी कॉल्ड द बार बट ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट जॉब एट ऑल इवेंचुअली जो है वो अपनी फैमिली का शिपिंग बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे और सोचेंगे चलो मैं स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ इन मरीन लॉ ठीक है अल्टीमेटली वो फिर मरीन लॉ ज्वाइन करने का सोचेंगे ये सोच के कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग ही हो जाएगा तो फैमिली का शिपिंग बिजनेस तो ऑलरेडी था फैमिली के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सेटल्ड बिजनेस था तो इन्होंने कहा चलो उन दोनों को मिक्स करके एक इंटरेस्टिंग चीज बना लेता हूँ अपनी बोरिंग डिग्री से तो वो जो है मरीन लॉ की तरफ बढ़ते हैं मरीन लॉ के वक्त उनको ट्रैवल काफी करना पड़ता था अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवलिंग रहती थी उसी जर्नीज उन्हीं ट्रेवल्स में से एक में उनको मिलते हैं अपने फ्रेंड एंड अ फेलो मैरिनर जोसेफ कॉनरेड एंड जोसेफ कॉनरेड आने वाले टाइम में वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स ऑफ द मॉडर्न एज बनेंगे जोसेफ कॉनरेड आने वाले इयर्स में जो, मतलब जो आज तो चलो खैर ही गल्स एंड दिस इन दैट बट एज फार एज यू नो एनी लिटरेरी करिकुलज कंसर्ड आप इंडिया अगर जितनी भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं दे ट्राई टू कवर जोसेफ कॉन्डरेट इन सिलेबस हिज नोवेला द हार्ट ऑफ डार्कनेस पर्टिकुलरली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इनके जो वर्क्स हैं उसमें कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजर डी कॉलोनाइजर द कॉलोनाइज इनकी साइकोलॉजी इनकी जो डार्क थीम्स हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे से जो है कवर करके रखी हुई हैं ठीक है ना तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ के बारे में हाँ जी आगे बढ़ते हैं जिस ड्यूरिंग ये अपनी मरीन लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस ड्यूरिंग जो है ये सी में ट्रैवल कर रहे हैं उसी ड्यूरिंग जो है ये लिखना शुरू कर देते हैं शॉर्ट स्टोरीज वगैरह अपने खुद के शौक के लिए लिखना शुरू करेंगे तो 95 तक जो है ये एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे थे उसके बाद जो है इन्होंने लिखना शुरू कर दिया एटीन से नाइनटीन के बीच में गर्ल्स वी पब्लिश फोर वर्क ठीक है मैंने आपको बोला था ना इनके फोर वर्क है जो की इनके सूडोनियम के अंडर आए हैं और आप वो सारे वर्क को भी देख लो जरा ठीक है मेरे पेड बैच में भी मैंने डिटेल में उनके बारे में वो नेम्स वो वर्क्स मेंशन किए हैं जो उनके स्यूडोनिम के अंडर हैं तो 1897 से 1901 इस चार साल के पीरियड में ये चार ऐसे अपने वर्क्स पब्लिश करेंगे इनिशियली जो कि उनके सूडोनियम जॉन सिंह जॉन के अंडर आ रहे हैं ठीक है

तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि विच द फर्स्ट पब्लिड वर्क ऑफ जॉन द द वर्क अंडर हिज स्यूडोनिम फर्स्ट वर्क टू नॉट बी पब्लिश विद द स्यूडोनिम ऐसे क्वेश्चन उनके आ रहे हैं ठीक है तो इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड फ्रॉम द दिन पब्लिश इन दर एटीन नाइनटी सेवन अंडर स्यूडोनिम जॉन एंड जॉन उसके बाद इनका ये वर्क आता है जोसेलिन जो इनका फर्स्ट पब्लिश फुल नॉवल है 1898 में आता है इनका जोसलिन जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड फुल नॉवल है सॉरी यहाँ 1888 टाइप किया हुआ है एक्चुअली शुड बी 1898 माय बैड ठीक है टाइपो uh, है मुझसे ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी उसके बाद इनका ये वर्क आता है विला रूबिन विला रूबिन एंड अ मैन ऑफ डिवॉन ये भी इनकी जो है स्टोरीज वगैरह हैं बेसिकली और प्रोज वर्क्स हैं ये भी इन नाइनटीन एंड ये चार वर्क्स जो हैं नोट कर लीजिए प्लीज उनके स्टूडोनम स्टूडोनम में आए थे ये उनके आ, आ, क्या कहते हैं ये उनके आ, रियल नेम के साथ पब्लिश्ड नहीं थे ठीक है मैम आप कब से क्लास ले रही हो कौन सी क्लास अंजलि अगर आप इस क्लास की बात कर रहे हो तो आई थिंक मैंने चार पाँच पे शुरू की थी और अगर आप वैसे बात कर रहे हो तो मैं तीन महीने से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ठीक है वट एवर योर विच एवर पॉइंट आंसर्स योर क्वेश्चन आई होप यू गेट इट अब थोड़ा इनके लिटरेरी करियर को और देख लेते हैं तो मैंने अभी क्या बताया आपको जो इनिशियल उनके फोर वर्क है वो उनके स्टोनम में आए तो इन ही पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल अंडर हिज ओन नेम ठीक है जिसका की नाम था द आईलैंड आईलैंड फर्स्ट वर्क है जो उनके रियल नेम जॉन गार्ल्स वी के साथ पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1904 और इसका जो टाइटलर कैरेक्टर है उसका नाम है रिचर्ड शेल्टन इसका जो टाइटलर कैरेक्टर है उसका नाम है रिचर्ड शेल्टन ठीक है तो ऐसे टाइटलर कैरेक्टर्स पे और इम्पॉर्टेंट uh, वर्क्स के ऊपर जो है questions आते हैं आपके में तो आपको प्रिपरेशन जो है अपनी ऐसे ही रखनी है दो साल बाद इन 1906 बॉक्सो इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट कमर्शली सक्सेसफुल वर्क 1906 में आएगा इनका फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क सिल्वर बॉक्सोइ बीज फर्स्ट कमर्शियल इट डिपेक्ट हाउ डिफरेंट स्टैंडिंग प्ले के अंदर जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ लॉ इज मेटेड आउट डिफरेंटली फॉर पीपल फ्रॉम द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल फ्रॉम द लोअर सेक्शन सोसायटी वो इस वाले प्ले की जो है मेन स्टोरी है अब डिटेल समरी वगैरह जो है वैसे मैंने क्लास मेरी पेड बैचेस में कवर की हुई है ठीक है लेकिन आप मेनली यहाँ के लिए एक बार ये समझ लीजिए कि सिल्वर बॉक्स के अंदर जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस है और कैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट द रिच एंड द पुअर और कैसे वही सेम लॉ रिच लोगों पर डिफरेंटली अप्लाई करता है पुअर लोगों पर डिफरेंटली अप्लाई करता है वो है मेन स्टोरी इसकी हाई रश्मि गुड इवनिंग वेलकम टू तो द क्लास ठीक है

तो इसके अंदर जो फर्स्ट नॉवल है जो स्टार्टिंग नावल है वो है मैन ऑफ द प्रॉपर्टी इसके थ्रू ही लॉन्च स्कैथिंग अटैक ऑन द अपर मिडिल क्लास फैमिली जिसको वो खुद बिलोंग करते थे तो मैन ऑफ द प्रॉपर्टी में फॉरसाइड फैमिली के बारे में मैंशनड है जो कि खुद भी अपर मिडिल क्लास फैमिली है और उनके ऊपर उनकी ईडियो पे उनके ऑबसेशंस पे उनके सोशल यू नो क्विंटेंस पे जो है ये एक शार्प क्रिटिक है ठीक है तो आगे जो है वो इसमें और भी वर्क्स को जो है पब्लिश करेंगे अनदर फेमस प्ले दैट ही रोट वाज स्ट्राइफ स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल ये प्ले आया था इन द ईयर 1907 अगेन अ ग्रेट कमर्शियल सक्सेस इन फैक्ट कंसीडर्ड टू बी हिज मोस्ट सक्सेसफुल प्ले ठीक है इसके अंदर जो है लेबर क्लास वर्सेस कैपिटल क्लास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गर्ल्स वर्दी के कौन से प्ले में यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गर्ल्स वर्दी के कौन से प्ले में जो है लेबर वर्सेस कैपिटल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सो द आंसर इज द प्ले स्ट्राइव ठीक है ऑलदो इसको काफी स्ट्रेज मैनेजर्स ने परफॉर्म करवाने से मना कर दिया था लेकिन फिर इसकी परफॉर्मेंस हुई थी ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में जहां पे गर्ल्स वर्दी के मेजर प्लेस की जो है परफॉर्मेंसेस हुई है ठीक है

उनमें जो रिफॉर्म के कैंपेन्स भारी मात्रा में चल रहे थे तो उसमें गार्ल्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इस प्ले का जस्टिस का और इसकी परफॉर्मेंस को खास देखने आए थे विंस्टन चर्चिल जिन्हों जिन्होंने जब आगे जाके आ, रिफॉर्म्स किए थे इन द पीनल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड उन्होंने गार्ल्सवादी के प्ले को जो है माइंड में रखा था दिस प्ले अल्टीमेटली लेट टू प्रिजेंट रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड जब वर्ल्ड वॉर वन सेट हुआ तो गर्ल्स वर्दी का बहुत ही बड़ा सपना था कि वो खुद भी अपनी कंट्री के लिए फाइट करें बाय बीइंग अ सोल्जर बट तब तक उनकी एज इतनी मैच्योर हो गई थी ही वाज आउट ऑफ दैट मिनिमम एज ही कुडेंट एक्चुअली गो टू द वॉर बट फिर उन्होंने कहा मैं किसी ना किसी से किसी ना किसी फॉर्म में तो सर्विस करूंगा तो उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था फ्रांस में एज एज अ एन ऑर्डरली यानी कि जो हमारे सोल्जर्स आ रहे थे उनको ट्रीट करने के लिए एक हॉस्पिटल में एज अ नर्स भी उन्होंने जॉब की और अपने खुद के घर को भी उन्होंने ओपन कर लिया था फॉर द फॉर द रिहैबिलिटेशन मेंटल एंड फिजिकल रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर वन और इस पीरियड में भी इन्होंने राइटिंग नहीं छोड़ी इन्होंने जो है अपनी राइटिंग को कंटिन्यूड रखा था 1921 में इन्होंने को फाउंड किया पेन इंटरनेशनल इंटरनेशनल मैंने आपको अभी बताया है इसकी फुल फॉर्म है फुल फॉर्म बताएंगे एडिटर्स एंड एंड सॉरी ठीक है तो पेन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू राइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर कॉमन इंटरेस्ट टू राइट अबाउट कॉमन इंटरेस्ट टू बेसिकली हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर अ म्यूचुअल यू नो अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्रिएटेड सो इट इज बेसिकली इंटरनेशनल क्लब फॉर ऑथर्स जिसके ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने सो so 1921 से लेकर 1932 तक ठीक है 11 साल तक जो है उन्होंने इसके प्रेसिडेंसीप को हैंडल किया आफ्टर दैट जब इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1932 में इसकी रिस्पांसिबिलिटी वो किसको टेक ओवर करवा देंगे एचजी वेल्स को ठीक है एचजी वेल्स जो है इसके नेक्स्ट प्रेसिडेंट uh, बनेंगे ठीक है नोट डाउन कर लो ये सारी इंफॉर्मेशन और आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो यार इसका स्क्रीनशॉट का फायदा क्या होता है ना कि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल गया इसका और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है मैम आपकी ऐप आप पर यूपी पीजीटी की क्लास नहीं दिख रही है अ एफएलडब्ल्यू फ्लू नहीं मेरी पीजीटी की आ, आप रोज मेरी बात सुनो बारह बजे या एक बजे बारह से एक एक से दो मैं दो घंटा कंटिन्यूस अपनी क्लासेस ले रही हूँ मेरे जो मेरा जो सेकंड uh, बैच है एक से दो वाला उसमें कल से मैं अपना यूपी पीजीटी रिज्यूम कर दूंगी ठीक है आप कल एक बजे वाली मेरी क्लास में आ जाना ठीक है जो भी जिनका भी नेम फ्लू है जिनको दिक्कत आ रही है आप मेरी एक बजे वाली क्लास में आ जाना वहां मैं कल से यूपी पीजीटी का सिलेबस रिज्यूम करने वाली हूँ तो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेना एक दो टॉपिक ही कवर्ड हैं शेक्सपियर ही कवर्ड है सिर्फ पहले का और वर्डस्वर्थ कवर्ड है बाकी आपको जो है रिज्यूम डबी मिलेगा ठीक है आप वहां से इसको कवर कर सकते हो ओके कम टू माय क्लास आइदर कम एट 12 पीएम और कम एट 1 पीएम आई सजेस्ट 1 पीएम क्योंकि 1 पीएम में अभी हम रिज्यूम करेंगे अपना पीजीटी तो आपके लिए खुद ही बहुत आसानी रहेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अवार्ड देख लेते हैं इनको कौन कौन से फेवस मिले थे बहुत कंफ्यूजन uh, चल रही थी इसकी डेट की इनको नाइटहुड कब मिला है कब मिला है तो मैं पहले तो बता दूं इनको नाइटहुड ऑफर किया गया था तो जैसे हमारे यहाँ पे पहले ब्रिटिश जो हमारे रूलर्स थे द कॉलोनियल मास्टर्स वो हमें टाइटल्स देते थे ना इंडियंस को ये टाइटल्स देने का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए इन्वेंट नहीं हुआ था ये इंग्लैंड में भी टाइटल्स दे रहे थे तो एक टाइटल होता था नाइट का ठीक है तो नाइटहुड इनके ऊपर किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड नाम भी देख लो डेविड लॉयड ने डेविड लॉयड जॉर्ज डेविड लॉयड जॉर्ज ने उनको नाइटहुड ऑफर किया था पर इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्या रीजन देके कि राइटिंग इज अ रिवॉर्ड इन इट मुझे किसी टाइटल की जरूरत नहीं है अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि ये दिया किस साल में था ये कंफ्यूजन चल रही थी 1917 था कुछ लोगों का डाउट कि 1917 में था या 1918 में था तो मैं आपको बता दू इनको जो नाइटहुड कॉन्फेयर किया गया था आज ये डाउट आपके लिए क्लियर कर देती हूँ बड़े लोगों का डाउट था ये आइए डाउट क्लियर करती हूँ आपका देखिए डाउट ये है बेसिकली कि कॉन्फेयर कब किया गया और रिजेक्ट कब किया गया ये तो अलग अलग मसले हैं क्योंकि इनके आंसर्स अलग अलग बनेंगे 1917 न्यू ईयर्स ईव पे यानी कि 31 दिसंबर 1917 को इनको प्राइम मिनिस्टर ने ये नाइटहुड ऑफर किया था 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव पे इनको ये टाइटल ऑफर हुआ था और इन्होंने इसको रिजेक्ट करने में एक दिन तो लगा दिया होगा इनको ऑफिशियल जो जो भी मिला होगा स्क्रोल मिला होगा इनविटेशन मिला होगा इन्होंने उसको एक दिन तो लगाया होगा ना दो दिन तो लगाया होगा उसको ऑफिशियली आंसर करने में तो उसको फिर आंसर करते करते इनको एक दिन लग गया होगा उतने में साल बदल गया तो इन्होंने जो रिजेक्ट किया है इसको वो कायदे से 1918 में किया है ये कंफ्यूजन थी ये मैं आज थोड़ा अच्छे से पढ़ के आई हूँ ठीक है Um, यार ये क्लास में ना फिजिकल लुक्स पे कमेंट मत किया करो मैं पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी हूँ आप लोगों को ठीक है ना कोई भी जो है क्लास में फिजिकल एस्पेक्ट्स पे कमेंट नहीं करेगा मैं अपनी क्लास में ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूंगी और जितने भी ऐसे लोग हैं उनको टाइम आउट पे पुट करूंगी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता आप मत आइए मेरी क्लास में बट डोंट कम टू क्रिएट अ रकस और टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस फ्लू आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा कल प्लीज एक बजे मेरी क्लास में आ जाइएगा ठीक है ना आप, आपको वहां से आप मैं अभी पीजीटी uh, ही यूपी पीजीटी रिज्यूम कर रही हूँ वहां पे आप फायदे में रहेंगे ठीक है आप एक बजे वाली कल मेरी क्लास में आ जाओ ठीक है या आई ब्लॉक हिम इवेंचुअली आई लास्ट द कंपनी टू लाइक to to block block somebody somebody like what is the process to block somebody permanently? Anyway, doubt clear comment फट comment section फट comment section टू ब्लॉक वॉट इज दस टू ब्लॉक मॉडर्न कॉमेडी द एंड ऑफ चैप्टर मैन ऑफ प्रॉपर्टी आएगा दविंदर इसका आंसर क्योंकि मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक नॉवेल है इन द फोरसाइड सागा

लैंग्वेज क्या पूछी गई है किस साल में उनको ऑफर किया था या किस साल में रिजेक्ट किया था आंसर उस हिसाब से बदल जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच अंबिका आंसर उस हिसाब से बदल जाएगा जून थर्ड नाइनटीन ट्वेंटी नाइन को ऑर्डर ऑफ मेरिट सॉरी मेरा माइक ड्रॉप हो गया है जस्ट हां जी जून थर्ड नाइनटीन ट्वेंटी एंड नाइनटीन थर्टी टू में तो हम सबको पता ही है उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1932 में उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज एक्सट्रॉडिनरी वर्क द फॉरसाइट सागा मिला था ठीक है जी थैंक यू सैयद सैयद सबा थैंक्स लॉट थैंक यू ठीक है ये था चाहे तो आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लें मैं साइड में हो जाऊंगी ठीक है इसमें भी आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे ओके आप फॉरसाइड सागा के बारे में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना जरूरी है वो ये है कि हमारे पास एक पूरा फॉरसाइट का क्रॉनिकल है ठीक है उस क्रॉनिकल के अंदर हमारी तीन ट्रायोलॉजीज आ रही हैं अभी किसी का क्वेश्चन भी था ये मैं उसको ही आंसर कर रही हूं यहाँ पे द सागा द एक सॉरी पेन चेंज कर लेती हूँ द सागा अ मॉडर्न कॉमेडी सेकेंड ट्रायोलॉजी है थर्ड ट्रायोलॉजी है एंड ऑफ चैप्टर द फोरसाइड सागा में थ्री नॉवल्स और दो इंटरल्यूड्स हैं मॉडर्न कॉमेडी में भी थ्री नॉवल्स और दो इंटरल्यूड्स हैं और लास्ट की हमारी जो ट्रायोलॉजी है उसमें सिर्फ तीन नॉवेल्स हैं सागा के अंदर हमारे पास जो तीन है, उनके टाइटल है मैन ऑफ प्रॉपर्टी इन चांसरी एंड टू लेट दो इंटरल्यूड्स है इंडियन समर्स ऑफ अ फॉरसाइड एंड अवेकनिंग सेकेंड ट्रायोलॉजी में हमारे पास नॉवेल्स हैं द वाइट मंकी दिल्वर स्पून एंड स्वन सॉन्ग और जो दो इंटरल्यूड्स हैं हमारे पास वो है अलेंट वूइंग एंड पासस बाय लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास लास्ट ट्रायोलॉजी के जो थ्री नॉवल्स हैं वो है कवर की है अगर आपको आ, आ, वैसे देखो इनके टाइटल्स लर्न करना बहुत जरूरी है ठीक है तो इनका जो टाइटलर पार्ट है ये आपके लिए जो है लर्न करना बहुत जरूरी है आप लोग चाहो तो इस इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं जैसे अभी अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोरसाइड क्रॉनिकल तो तीन ऑप्शन थे एक ऑप्शन था मॉडर्न कॉमेडी एक मैन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट वन बिग सेक्शन इट इज नॉट अ ट्रायोलॉजी इट इज अल तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर इस तरीके से इस वाले टेबल से ही मल्टीपल फॉर्म में जो है क्वेश्चन निकल सकते हैं ठीक है तो आपने ध्यान रखता है इसका ये हो गई है हमारी आज की क्लास जॉन गार्ल्स वर्दी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को वर्क्स बायोग्राफी बायोग्राफिकल डिटेल्स अवार्ड्स इन सब को जो है हमने कवर किया है पहले तो मुझे फटाफट से बता दो क्लास कैसी लगी मजा आया पहले तो फटाफट से बता दो क्लास कैसी लगी हाँ जी क्लास के बारे में मुझे बता दीजिए दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ माई डियर फ्रेंड्स हमारा डी ट्रिपल एस बी का बैच लाइव है इस वक्त ऑनलाइन जितने भी मेरे व्यूअर्स काफी देर से झारखंड या डी ट्रिपल एस बी के लिए वेट कर रहे थे झारखंड की डिटेल्स भी आपको बहुत जल्दी जो है मिल जाएंगी और डी ट्रिपल एस बी का जो हमारा ये बैच है ये लॉन्च हो चुका है इसकी जो शुरुआत हो रही है छब्बीस अगस्त से ठीक है ना ट्वेंटी सिक्स से निधि मैम इसमें ग्रामर लेना शुरू कर देंगे ट्वेंटी नाइन से मेरी लिटरेचर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम को छ बजे ठीक है ट्वेंटी नाइन से इसमें मेरी लिटरेचर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम को छे बजे की

इसमें ग्रीक फिलोसोफर्स के ऊपर क्वेश्चन हैं इसमें ओल्ड इंग्लिश ईरा से क्वेश्चन हैं है, तो हमें इसकी अप्रोच अलग से रखनी पड़ेगी तो जितने भी लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज तैयारी करना चाहते हैं उनको देखो मेरा बेनिफिट यहाँ मिलेगा क्योंकि मैं खुद नेट क्वालिफाइड हूँ और मेरा नेट में सक्सेस रेट भी बहुत हाई है मेरे जितने पुराने बैचेस जिनको मैंने नेट की तैयारी करवा रखी है आई हैव अ गुड सक्सेस सक्सेस रेट रेट ह्यूज है ठीक है तो आप में से जितने लोग सीरियस हैं डी ट्रिपल एस के लिए पीजीटी के लिए फटाफट फट से बैच में एनरोल कर लो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने महापैक लिया है वो ऑलरेडी इसके लिए एप्लीकेबल हैं या तो आप लोग महापैक महा, महा पैक में आपको देखो अगर आप नॉर्मल बैच लेते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करोगे बाई ये तो याद ही है सबको इससे आपको डिस्काउंट मिलता है ये कोर्स आपको वैसे जो दस हजार की एमआरपी आर पी है इसपे सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट लग जाएगा ये कोर्स आपको पड़ेगा तेईस सौ रुपए का लेकिन अगर आपको लगता है की आपको इसपे और डिस्काउंट चाहिए ठीक है तो आप मेरे हिसाब से आप महापैक बाय कर लो क्योंकि महापैक में क्या होता है ना फ्री टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी मिलती हैं तो आप सिर्फ हजार रुपए ज्यादा दोगे थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज सिर्फ हजार बेटर इकोनॉमिकल डिसीजन रहेगा क्योंकि उसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी अवेलेबल मिलेंगी और आने वाले एक साल के लिए जितने भी टी जी टी पी जी टी एग्जाम है किसी भी सब्जेक्ट में आप सबकी क्लासेस को जो है अवेल कर सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू थैंक यू हाँ जी चलिए तो फटाफट से जो है एनरोल कर लो मेरा कोड मत भूलना वाई फाइव फोर टू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और डी ट्रिपल एस का बैच लाइव है हफ्ते में शुरू होने वाला है तो फटाफट से जो है इसके लिए एनरोल कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स एंड आपको मैं रोज यहीं मिलूंगी शाम को चार बजे आपके साथ टीचिंग के एग्जाम्स का लिटरेचर कवर करने के लिए आई एम प्रोफेसर you guys later. लेटर टेक केयर Bye बाय बाय a वेरी गुड डे